तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि विष्णु भगवान के यहाँ मंदिर है। विष्णुपथ जो मंदिर यहाँ पर है गया में, ये क्यों यहाँ प्रसिद्ध है और क्यों लोग यहाँ लोग आते हैं देश और विदेश से? यहाँ लोग कर्मकांड करने के लिए आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। जी जी, जो प्यास पीठ को मानने वाले वो आएंगे ही गया जी। अच्छा अच्छा, वो दुनिया के किसी कोने में होंगे तो गया जी आएंगे ही, हर हाल में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम करते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ आपको गया का जो है विष्णुपथ का जो और यहाँ के जो शहर हैं, जो गली हैं, उसको मैं भी सोचा कि आपको दिखा दूँ दोस्तों। और यहाँ पर अब हम लोग नाश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। तो यहाँ पर कुछ चटपटे मसाले हम लोग बनवा रहे हैं जो हम लोग सारे मिलकर खाएंगे। हमारे साथ चिंगारी जी हैं जो हम और दोनों मिलकर यह चीज़ करने वाले हैं जो आप ब्लॉग में देख रहे दोस्त। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं जो विष्णुपथ है, जो मेन गेट है यहीं पर है, जो आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जी और गयासुर की जो छाती है वहाँ पर पैर रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं, यानी नाश्ता। तो देखिए हमारी चिंगारी जो हैं, जो ये खा रहे हैं टिकिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और टिकिया और चाट खा रहे हैं। और मैं जो हूँ बिल्कुल सदा सर्वदा, जो आप देख सकते हैं कि कोफ्ता यानी लौकी का कोफ्ता और रोटी मैं खा रहा हूँ। देखिए भाई साहब, यहाँ पर जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो ये जो बेचने वाले हैं, देखिए ये चाट वाले बोल रहे हैं ना कि एक सादा वाले हैं या एक रंगीन खाना खाने वाले हैं। दोस्तों आप यहां पर आते हैं अपने गाड़ी से, चाहे टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से, तो आप यहां पर पार्किंग कर सकते हैं जो विष्णुपथ मंदिर के बगल में ही है। और यहां पर मैं आपको एक ऐसे द्वार पर ले जा रहा हूं जो मोक्ष धाम द्वार है, यह शमशान है। इसके पीछे जाएंगे तो फल्गु नदी मिल जाएगा दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, आज हम आए हैं विष्णुपथ में, जो यहाँ पर आपको विष्णु जी का चरण आपको स्पर्श करने को मिलेगा। अगर मुझे अलाउ मिलेगा तो अंदर मंदिर के लिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो हमारे साथ हैं यहीं के निवासी, क्या नाम हुआ आपका? चंदन गुर्दा। चंदन गुर्दा जी यहाँ पर हैं, तो आप मुझे बताइए कि विष्णुपथ जो मंदिर यहाँ पर है गया में, ये क्यों यहाँ प्रसिद्ध है और क्यों लोग यहाँ लोग आते हैं देश और विदेश से? यहाँ लोग कर्मकांड करने के लिए आते हैं, ठीक है जी। ये बेदी है, मंदिर नहीं है जी जी, ठीक है। इसको बेदी, इसको मंदिर नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि वायु पुराण में इसका वर्णन है कि ये बेदी है, समझ गए। और रही बात यहाँ कर्मकांड करने की, तो लोग यहाँ बहुत दूर दूर, जो वैदिक जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं जी जी, जो प्यास पीठ को मानने वाले वो आएंगे ही गया जी। अच्छा अच्छा, वो दुनिया के किसी कोने में होंगे तो गया जी आएंगे, हर हाल में आएंगे। और ये आपको यहाँ पर गयासुर का भी एक बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता देते लोगों को। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं छोटे से बताता हूँ कि गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसे भगवान ने अपना दाहिना चरण रख के उसको स्थगित किया है वहाँ पे जी जी। और उस पर ही पिंड छोड़ने से लोगों की मुक्ति होती है जी जी। यहाँ गयापाल ब्राह्मणों के ही, जब तक आप आशीर्वाद नहीं लेंगे तब किसी को पितरों को मुक्ति नहीं होगी जी जी। इसलिए माता सीता ने भी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया था, ब्राह्मणों को गयापाल पंडों को दक्षिणा नहीं मिलने के कारण उस समय आदिकाल में, तो माता सीता ने श्राप दिया था कि आपका सदा हाथ ऐसे रहेगा, अच्छा, खुला हुआ रहेगा, भीख ही मांगेंगे, भिक्षा ही मांगेंगे। अच्छा, इसलिए गयापाल हर हमेशा भिक्षा ही मांगते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गयासुर के बारे में एक और चीज़ आपने बताए थे हमारे चिंगारी जी को अभी, उसके बारे में बता देते कि जो एक मुंड और एक सर, क्या एक हा? एक भगवान विष्णु ने उसको यही आशीर्वाद दिया कि एक मुंड एक पिंड, यानी एक शमशान घाट में लहास पर डे, एक पिंड पर डे भगवान के चरण पर चढ़ना जरूरी है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा वरदान दिया गया था गयासुर को, अगर अगर नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना होगा, क्योंकि लोग मरेंगे ही, गया जी आएंगे ही लोग श्राद्ध करने जी जी जी। अभी लॉकडाउन के कारण लोग नहीं आ रहे थे तो गयापाल पंडों ने खुद श्राद्ध किया।
अच्छा खुद की है, मतलब यहाँ बहुत ही निगरानी करते हुए और बहुत चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हर चीज़ किया जाता है पहले के अनुसार, है ना जी? जी। तो दोस्तों ये हमारे चंदन जी थे जो बहुत ही अच्छा पांडे जी है ना आप? जी पंडा जी हैं, पंडा जी हैं, गया पांडे जी, बहुत ही अच्छा इन लोगों को बताते हैं। और तो मैं यही कहूँगा कि आगे मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं चलता हूँ आगे अंदर की ओर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ऐसा सिस्टम हुआ है कि हम मंदिर को अंदर कैमरा जो ले जाना अलाउड नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ से ही आपको दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जो चंदन और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ से एक कैमरा कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको आगे वाला कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि विष्णु भगवान के यहाँ मंदिर है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है विष्णु पद वेदी, जैसे कि चंदन जी बताएं। और देखिए यहाँ पर विष्णु पद वेदी गया धाम लिखा हुआ है दोस्तों, और मैं बहुत ही क्लियर आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए विष्णु जी का जो यहाँ पद चरण है जो बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा है, और मैं आपको गेट तक के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ गेट है और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ आप देख लीजिए कि किस प्रकार का सुविधा है, जो भी है पूरा यहाँ पर प्रसाद भी आप ले सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। और अंदर जो है पूरा सिक्योरिटी गार्ड एकदम रहता है, यानी यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है दोस्तों। यही है विष्णु धाम, जो यहाँ का सारा कहानी यहीं पर है और मैं आपको को बता दिया। तो दोस्तों जैसे ही आप मेन गेट पर पहुंचेंगे और यहां का दृश्य आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और जैसे ही अंदर की ओर जाएंगे तो यहां पर कुछ आपको प्रसाद मिल जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी फल फूल प्रसाद खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ दिखा रहा हूं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए कि कुछ महिलाएँ भी और बच्चों को खेलने के लिए कुछ सामान भी आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आएँ तो दान पुण्य जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। इस गेट पर ही जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो कुछ ऐसे जो गरीब लोग हैं जो मांगकर अपना जीवन व्यक्त करते हैं और अपने बाल बच्चे को पोस पाल को बड़े करते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जो चिंगारी जी है और मैं खुद कैमरा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ जो रुपए हैं से दान कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो लोगों को कोऑपरेट भी कीजिए, इस तरह से लोगों को हेल्प कीजिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करने के बाद थोड़ा सा चुस्की के साथ हम लोग चाय पी लेते हैं दोस्तों। विष्णु पद की यात्रा करते हुए अब हम लोग NH2 हाईवे से अपने घर की ओर जा रहे हैं और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। अगला जो वीडियो है जो बोध गया का है, और बोध गया का पूरा जानकारी हमने दिया है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।